तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग जियो की सिम चला रहे हो और आप लोग जियो में एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में आप लोग जो 5G एक्टिवेट होता है वो आपका शो नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आप लोग यहां पे ऊपर साइड में आपका 5G एक्टिवेट शो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से आप लोग 5G एक्टिवेट को शो कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करें। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 5G एक्टिवेट करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगते हैं, फ्री में 5G एक्टिवेट हो जाता है, चाहे VI हो, BSNL हो, जियो हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, ठीक है, कोई भी कंपनी की सिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको 5G एक्टिवेट करके दिखाया है, मैंने देख सकते हो मेरा 5G ऑलरेडी एक्टिवेट है, मैंने यहाँ पे किस तरीके से एक्टिवेट किया है, आप लोग किस तरीके से एक्टिवेट करोगे वो भी फ्री में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक मत करना है, ठीक है। जो भी इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलतेगी वो 100% जेन्युइन वीडियो मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। जैसा कि आपको एक्टिवेट करना है, सबसे पहले मिनिमाइज़ करेंगे। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को फ़ोन पे एप्लीकेशन को, अब आपको क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग ओपन करना है, ठीक है। देन फ़ोन की सेटिंग ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है नज़र, जैसा कि आप लोग देख पा रहे, ठीक है। यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस, इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूजिंग हेल्प, ठीक है, यानी कि 5G यूजिंग हेल्प, इस पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पे 5G के रिकार्ड, आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, देख सकते हो। 10 मिनट कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे रीड करेंगे और यहाँ पे यूजिंग हेल्प की कुछ इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, वो यहाँ से रीड करेंगे, ठीक। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा तो एक्टिवेट भी कर लेना है, ऑन करना है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ रहता तो ऑन करना है, ठीक, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे बैक करना है, मैंने एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे फिर से आना है बैक, यहाँ पे आना है इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है, इस पर क्लिक करना है मोबाइल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्लॉट चूज़ करेंगे किस सिम में आपकी स्लॉट में नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि नेट है, तो मैं पहली वाली सिम को चूज़ करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, आप देख सकते हो प्रेफरेंट नेटवर्क टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। प्रेफरेंट नेटवर्क टाइप पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो, मैंने यहाँ पे देख मतलब 4G है तो आपको 5G सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीफेट नेटवर्क टाइप सेलेक्ट होगा तो आपको 5G सेलेक्ट करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद आपका 5G यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। अब आपको दूसरा तरीका बता दिया मैं, आपको तीसरा तरीका क्या है, आप लोग जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, सपोज मानो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ VI की, ठीक है, या फिर एयरटेल की, तो आपको क्या करना है, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, यहाँ पे आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन लिखने के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है नज़र, इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे क्लाइम अनलिमिटेड 5G डाटा यहाँ पे देखोगा, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे एक्टिवेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे कमेंट करेंगे, मैं आप लोग इस तरीके से आप लोग 5G एक्टिवेट कर सकते हो।